हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद दिलमा खुशामदीद। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी में क्या मिलता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो लोगों का मन करता है रूहअफ़ज़ा पीने का। तो ये देखिए, हमने अपने परिवार वालों की फरमाइश पूरा करने के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं रूहअफ़ज़ा बनाने के लिए। सना देखिए, बर्फ़ कूट के पहले डाल रही है और मैंने यहाँ पर रूहअफ़ज़ा तैयार करके रखा है। ये देखिए, और ये देखिए ये क्या आया है, वाओ, आम। आम देख के तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। अच्छा, लेकिन वो अभी थोड़े गर्म हो रहा है तो इसलिए उनको हमने पानी में डाल दिया है ताकि उनकी थोड़ी हीट कम हो जाए और उसके बाद फ्रिज में रख के ठंडे ठंडे आम का आनंद लिया जाएगा। और आज तो हमारे घर में इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी रौनक हो रखी है घर में। छोटी फूफू आई है, सारे हमारे जितने भी कजन्स हैं सब आए हुए हैं। देखिए हम दिखाते हैं कैसे मज़े ले रहे हैं सब लोग। ये देखिए कितनी रौनक लगी हुई है, सारे मतलब हमारी छोटी फूफो, पापा, अम्मी सब बैठे हुए हैं, दादी देखिए वहाँ बैठी हैं। कैसे लग रहा है मोहम्मद मुनीर, रूहअफ़ज़ा कैसे लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है गर्मी में। ये देखो स्ट्रॉ से पी रहा है। और तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ। बहुत अच्छा। हाँ। अरे वाह। और सना कहाँ गई भाई? सना रूहअफ़ज़ा नहीं पीना है तुम्हें? हाँ। अरे तुम दिख नहीं रही हो, जल्दी आओ। और ये देखिए हमारा रूहअफ़ज़ा बाकी सबको दे दिया, अब ये बचा हमारा यानी कि हम तीनों बहनों का। चलो बाहर सबके साथ बैठ के पियेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमारे घर में रौनक लगी हुई है, तो बच्चों की फरमाइश पे आज सना बना रही। सना कहाँ गई? अरे हाँ, क्या बना रही सना? नूडल्स। नूडल्स, तो बच्चों की फरमाइश पे आज बन रहे हैं नूडल्स। देखिए मैं आपको दिखा दी, पानी रख दिया गया है उबलने के लिए। देखना ये ऑयल है ना, ये तो यहाँ पे ऑयल डल गया है, अभी इसमें उबाल आएगा तब नूडल्स डलेंगे। तो यहाँ पे अभी नूडल्स बन रहे हैं और एक चीज़ और बनेगी, वो है मैंगो शेक, क्योंकि मैंगो को कोई छोड़ ही नहीं सकता, लेकिन सबका मन है आज ठंडा ठंडा मैंगो शेक पीने का। तो इसके साथ साथ हम मैंगो शेक भी बनाए। चलिए फिर, सना बनाती है नूडल्स और मैं बनाती हूँ मैंगो शेक। सना तो प्रो हो रही है। फ्रेंड, मैंगो शेक बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है आपको पता है? मैं बताती हूँ, सबसे ज्यादा जरूरत होती है मैंगो की। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और उसके बाद जरूरत होती है जार की। जार है ना ये? ओके, कितनी प्रो हो रही, मुझे ये भी नहीं पता ये क्या चल रहा है। दोनों लगी हुई है बहनें मेरी पूरी की तरीके से, और इसका कोई वास्ता नहीं है, दोनों अलग अलग। मैंगो, ये देखिए इधर नूडल्स भी हो चुके हैं हमारे, मैंने मैंगो छील लिए हैं। और ये रहा हमारा कचरा, लेकिन जब भी कचरा फैलाओ साफ भी खुद ही करो। इसको हम अच्छे बच्चों की तरह, हमने अपना काम कर दिया पूरा। ये देखिए, और लाइट ने भी अपना काम पूरा कर दिया, पूरी तरीके से चली गई है। सना आपको कैसा लग रहा है ये जानकर? बहुत ही बुरा, क्योंकि गर्मी में पूरा है। हम लोग गर्मी में खड़े हुए हैं और देखो बेचारी सना इतनी मेहनत कर रही है यहाँ पे। ये रहे नूडल्स, ये चॉप कर रही है। ये देखिए, मैंने पूरी तैयारी करके रखी है इसकी, बस लाइट आए और इसको मैं घुमा डालूँ। सही लग रहा है ना, टेस्ट भी अच्छा है। खाने से पहले नहीं बता रही हूँ, मैंने चख चुकी हूँ मैं, इसलिए बता रही हूँ। ये सना तैयार है जाने के लिए और मेरे हाथ में चम्मच है। कैसा लग रहा है आरिफा, कैसा लग रहा है? अच्छा, घुलने दूँ पहले मुँह में। अच्छा अच्छा है, मैं टेस्ट ना करूं जब तक तो फाइनल हो ही नहीं सकता। बहुत
बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। तो नूडल्स हमने खा लिए हैं, तो अब हमने मैंगो शेक भी अपना तैयार कर लिया। तो अब हमारा मैंगो शेक एकदम तैयार है पीने के लिए, तो चले सबको सर्व कर देते हैं। ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है ना आम है भाई, आम तो आम प्यारे नहीं लगेंगे फिर क्या लगेगा। चलो सबको बुलाते हैं, ठंडा ठंडा मैंगो शेक। तो सबको मैंगो शेक दे दिया है और सारे बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि बच्चों की मन की हो जाए फिर तो क्या ही है, बल्ले बल्ले। और मुझे भी मिल गया है। अरे वाह, इसका टेस्ट बिल्कुल आम की तरह है। तो सबके साथ पीने में खाने में जो मज़ा है ना, वो किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। तो बस हम लोग ऐसे इंजॉय करते रहते हैं घर पर ही, सब मिलजुल के खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो मैं बहुत छोटी पड़ गई हूँ इनके सामने, इसलिए मैं अपने घुटनों पे हूँ। तो बताओ तुम अब क्यों जा रही हो? ये लोग जा रहे हैं अब, हमारी छोटी फूफो भी, और मतलब सब बच्चे सब जा रहे हैं। इतनी अच्छी लग रहा था अभी, इतनी रौनक थी घर पे, और अब ये लोग जा रहे हैं। क्यों जा रही हो तुम, क्यों जा रही हो? अम्मी जा रही है इसलिए ये जा रही है। कब आओगी अब? आप रुक के आएंगे। अभी ये रुक कर आएंगी पर पता नहीं अब कब आएंगी। फूफो क्यों जा रही हो इतनी जल्दी? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फूफो जा चुकी हैं अपने घर, छोटी फूफो। और घर में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बच्चों की वजह से बहुत रौनक थी, अब थोड़ा सा सुनसान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अच्छा है कि हमारी फैमिली भी बड़ी है, लेकिन हाँ बच्चों से जो रौनक होती है वो खैर वो फिर से आएंगे इंशाल्लाह। तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जितना जितना हो सके प्यारे प्यारे कमेंट करें। मिलती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।